ग्वालियर पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर सोनम पराशु ने अपनी सूझबूझ से हार्ट अटैक का शिकार हुए एक उम्रदराज शख्स को सीपीआर देकर उसकी जिंदगी बचाई। वहीं जिले के पुलिस का मानवीय पहलू भी सामने आया, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ब्रजेश ने दिव्यांग की ट्राईसाइकिल को 1 किलोमीटर तक देकर रेलवे ओवरब्रिज पार करवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस काम का एसपी, एडीजी और डीजी से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ने तारीफ की है और उन्हें बधाई देने के साथ सम्मान दिया। अपने लतिया का नाम, अपने लतिया का नाम है, अच्छा काम ऐसे करते रहना बिटिया है। मैं आपका आशीर्वाद है, माई का आशीर्वाद है लतिया वालों को तो सब पे। मैं उसका कह रहा था बिटिया, अभी मैंने डीजीपी साहब को कहा भी है, आज रिवार्ड देंगे आपको, तो इसे काफी अच्छा हो जाएगा, आपसे प्रेरणा भी मिलेगी लोगों को। अपने पुलिस की छवि को बनाने के लिए बहुत सराहनीय पहल थी, करोना काल से जो अपन कोशिश कर रहे थे उसमें वृद्धि की आपने, बहुत बधाई रानी बिटिया। परिवार की है बेटा। कल हमारे जो ट्रैफिक सुबेदार है श्रीमती सोनम पराशु, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति है मिस्टर उपाध्याय, उनको अचानक राह चलते हार्ट अटैक हो गया था और वो जमीन पे ही गिर पड़े, तो श्रीमती सोनम पराशु जी ने तुरंत अपना तत्परता दिखाते हुए उनको CPR एडमिनिस्टर की गई, जिससे जिसके चलते उनकी जान बच गई। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीमती सोनम पराशु जी को ग्वालियर पुलिस ने नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान की गई।